सो हाय एवरीवन, आज मेरे साथ है सार्थक गोयल। हेलो सर। हेलो, अरे सार्थक। और सार्थक के चैनल पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, प्लस सब्सक्राइबर्स हैं अभी। हर वीडियोस पे लाखों में व्यूज हैं, मतलब एंगेजमेंट रेशियो आप देखो। दूसरा, इंस्टाग्राम पे आपके 3 लाख फॉलोअर हैं, हर वीडियोस पे लाखों में व्यूज हैं, राइट। सार्थक का बिल्कुल जेंजी वाला, जेंजी से ऊपर थोड़ा है ना, जो यूथ वाला जो टॉपिक है, जो ये आपका 17 से लेके और 24-25 या उससे भी ज्यादा, खैर लेकिन ज्यादातर जो ये वाली जो ऑडियंस है ना, 25-26 वाली और 17 से ऊपर वाली, ये इनका कंटेंट है। और कंटेंट का टॉपिक अगर मैं बताऊं तो वो है लड़की कैसे पटाए, है ना। बहुत से लोग सुन के हंस रहे होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे कि कैसे एज अ क्रिएटर इन्होंने ग्रो किया और ये टॉपिक कितना सीरियस है, दैट्स व्हाई मैंने ये चुना है। मैं बताऊं सार्थक, मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, और हमने मोटिवेशनल वीडियो ट्राई करे, बहुत सारे वॉइस ओवर सार्थक के साथ ट्राई करे। उससे पहले आपने कितनी वीडियो बना रखी थी? उससे मिलने से ऑलमोस्ट 500 वीडियोस तक ट्राई कर चुका था। 500 वीडियो सार्थक पहले बना चुके थे जी। हमारे से मिलने के बाद ही 500 वीडियो बनाई, मोटिवेशनल, कभी हमने फैक्ट, अलग 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 ट्राई करे, लेकिन फाइनली जाके अब सार्थक को कंटेंट मिल चुका है और उस कंटेंट पे ये फुल, मतलब सब कुछ छोड़ के अब लग गए हो डेली का। मैं देखता हूँ हर दिन वीडियोस, सारी चीजें। तो वैसे तो मैंने हजारों स्टूडेंट सिखाए, सब तो ग्रो नहीं होते, इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, सारा क्रेडिट गोज टू यू सार्थक। आपने वाकई अच्छा किया। आपने सर, यू आप एक बैकबोन बने थे सर, तो यू नो आप फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अब करना ही करना है, इतना अंदर आ चुके हैं, तो यही एक बात है सर। थैंक यू सो मच सार्थक। और मैं जानना चाहूंगा कि ये कंटेंट एट द एंड आपने इसको फाइनल कैसे किया कि मुझे यही कंटेंट चाहिए? स्टार्टिंग में मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता थी सर कि मैं ये बनाने वाला हूँ, राइट। आपको पता है जब आप कंटिन्यूसली वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं, आपको YouTube खुद बता देता है कि आपको क्या करोगे तो आप चलोगे, वो आपको ट्रेन करने लगता है एट द मोमेंट। आप इधर इधर माइनर माइनर चेंजेस सर, वो एक दिन कंपाउंडिंग हो ही जाती है, right। तो इसीलिए ना ये टॉपिक मैंने अपने आप चूज किया। और दूसरी चीज, आप लोगों को ऐसा ये सुनने में ऐसा एकदम वो लगता है लड़की कैसे पटाएं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं, हम लोगों को एक साफ शहर दिखता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो शहर साफ इसीलिए है क्योंकि वहां की नालियां साफ है, ठीक है। आप भले उस चीज को देखो, जब तक वो ड्रेन्स क्लीन नहीं होंगी तब तक आपको वो सबको वही दिखता है क्लीन शहर, लेकिन वो साफ जो हो रही है ना, वो सब लोग उससे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही है, क्योंकि मेरे, यस सर, क्योंकि सब मेरे हिसाब से ना यहीं से, देयर इज अ सेइंग कि हम लोग जो करते हैं वो प्यार के लिए करते हैं, बेस्ट पार्टनर के लिए, तो यहाँ से ये थोड़ी सी फिलॉसफी आ रही है। और मैं देखता हूँ यार, यूट्यूबर जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब उनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा हेटिक रहती है, हर हमेशा कंटेंट के लिए सोचना, है ना, कंटेंट कैसे क्या बनाए, किस तरीके से करें। अगर मुझे लगता है उसका पार्टनर और रिलेशनशिप अगर उसी प्रोफेशन में नहीं है, तो यार बहुत मुश्किल होती है, मैंने देखा है ये चीजों में। क्योंकि हाँ, ये मानता हूँ मैं, कंटेंट क्रिएटर अगर लड़का है तो लड़की को शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, यार यू नो यूट्यूबर्स और वो सारी चीजें, बट कुछ दिनों बाद जब दिखती है कि यार वो टाइम नहीं देता, है ना, वो अपने कंटेंट में बिजी है, तो बहुत से लोग परेशान होते हैं। एक बात आपने और कही, और मैंने भी आप लोगों से कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ग्रो कर पाते, उसके पीछे रीजन ये है कि सार्थक ने 500 वीडियो पहले बनाई और मेरे साथ भी मिलके 500 वीडियो आपने बनाई, तब जाके आपको समझ आया कि यार 1000 वीडियो के बाद जो अगली वीडियो होगी वो क्या होनी चाहिए। आप 1 से 1000 लोग जितने भी काम कर रहे हो ना, सब ग्रो कर पाओगे अगर आप कहीं से बैक नहीं मुड़ना है। नहीं, पता ही है बिजनेस, हम सबको पता है बिजनेस है। आप भी अच्छा पैसा बना रहे हो आज के टाइम, एंड में आएंगे उस पे भी हम, और हम भी अच्छा पैसा कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर अच्छा पैसा बना रहे हैं, बट आप पता है आप हार जाते हो, आप एक टाइम के बाद पीछा छोड़ देते हो, और हम आप पीछे नहीं मुड़े, नहीं हम आगे बढ़े, राइट। सो दूसरा सार्थक, मेरा आपसे सवाल है कि यार ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग टॉपिक है ना, बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है। जब आप इस पे वीडियोस बनाते हो, देखो यार इस पे व्यूअरशिप बड़ी तगड़ी है, 2.5 लाख सब्सक्राइबर आपके और 1 लाख व्यूअरशिप है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये यूथ रेगुलर आपके ऑडियंस है, नई ऑडियंस आती है? नई तो आ नहीं सकती, रेगुलर वाली होगी। रेगुलर भी आती है और नई शेयर इतना होता है। अच्छा, हम किसी को जानते हैं कि हमारे इस दोस्त का भाई का हार्ट ब्रेक हुआ है, उसके लिए ये चीज बहुत सूटेबल है, तो वो जरूर से शेयर करता है। तो पुरानी ऑडियंस मेरे साथ एक बहुत लंबे टाइम के लिए जुड़ी रहती है, ठीक है, जब तक उसके अंदर वो इमोशनल एबिलिटी और उसका खुद का थिंकिंग प्रोसेस ऐसा नहीं बनता, तब तक वो मेरे साथ परमानेंटली जुड़े ही जुड़े रहते हैं। ओके, यस, मतलब ये है कि एक ऑडियंस है जो आपसे जुड़ी हुई है, जब आप वीडियोस बनाते हो तो उसको लगता है यार
एक राहुल नाम का मेरा दोस्त है जी, जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं उसको वीडियो भेज देता हूँ, वहां से मूव ऑन कर रहा है, मूव ऑन होना बहुत, और ये रियलिटी है, मतलब नॉट इवन क्रिएटर, आप क्रिएटर ज्यादा हो इसलिए मैं क्रिएटर वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट अगर आप देखो आपके आसपास तो यूथ ना बड़ा परेशान है आजकल, बंबल टिंडर इतने हो गए हैं, लड़कियों के पास तो बंबल डालते ही मेरे ख्याल से 1000, आप बताओगे ज्यादा, आप बताओ, मैं बताया, बेसिकली क्या होता है, एक रेशियो है, लड़कियां 1% या 3% को राइट स्वाइप करती हैं, क्योंकि लड़कियों को पता है मैं जिसको भी राइट स्वाइप करूंगी वो ऑलरेडी मुझे लाइक करके बैठा ही होगा, क्योंकि लड़के क्या करते हैं, खट राइट 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 यस, और लड़कियां बहुत ध्यान से देखती हैं, तो यहाँ पे रेशियो काफी ज्यादा डिसबैलेंस्ड रहता है। और सर जैसे आपने बोला ना कि एज अ क्रिएटर आपका माइंड, हमारा जो ब्रेन है ना सर, अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, एक गार्डन की तरह होता है, जब तक वो बिल्कुल क्लीन ग्रीन एकदम इमोशनल डैमेजेस कम नहीं होंगे तब तक आपके अंदर से वो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी निकलना डिफिकल्ट है, तो वो क्लीनलीनेस मेंटेन करनी आपको आनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ मतलब जरूरी नहीं है यार कि आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप खुश नहीं रह सकते, तभी खुश मैं खुद रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ओके ठीक है, और मेरे ज्यादातर मेरी जितनी ऑडियंस है ऑलमोस्ट 60-70% तो है ही है, काफी सारे ऐसे भी केसेस आते हैं, खैर यहाँ पे तो हम लोग मेरा पर्सनल में आ गए, एक्चुअली होता क्या है ना सर कि हमारे इंडिया में भी ये एक माइंडसेट है कि अगर ये रिलेशनशिप में है तो ये एक रिस्पेक्टेबल आदमी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके पीछे की अगर मैं थोड़ी सी बायोलॉजी बताऊँ ना, तो लड़कियां अगर किसी लड़के को सिलेक्ट कर रही हैं इसका मतलब वो लड़का ऑटोमेटिकली बेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा यस, तो वो एक सोशल वैलिडेशन उसको मिल ही जाता है वहां से, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग अलग अलग तरह के फेजेस में रहते हैं, वन साइडेड लव हो गया, ठीक है, ऑब्सेशन हो गए, तो इन सब से आपको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद क्लीन नहीं होगे ना तब तक आपके पास कोई, आपके लड़कों की उससे सैडनेस, आपसे कोई पार्टनर क्यों जुड़ना चाहेगा लड़की, जब वो देखेगी ये खुद परेशान है मैं इसकी परेशानी में क्यों जुड़, करेक्ट है ना, क्योंकि वही चीज है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी। और एज अ क्रिएटर, मतलब आप भी क्रिएटर हो मैं भी क्रिएटर हूँ, बहुत सारे यूथ जो क्रिएटर है ऑलरेडी, उसके लिए क्या एडवाइस दोगे यार, मतलब व्हाट यू सजेस्ट? पीछे नहीं हटना है, अगर आपने बोल दिया है ना मुझे क्रिएटर बनना है और आप वीडियोज डाल चुके हो, मैं आपको एक सही चीज बताता हूँ, मेरी ऑलरेडी हंसी उड़ चुकी थी, ठीक है, मेरे मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरी फैमिली के सामने, मेरे दोस्तों के सामने, अब मेरे पास सवाल ही नहीं था, वो ऑलरेडी हंस रहे हैं, मैं इस हंसी को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैंने कहीं ना कहीं सर ये अपने अंदर बना लिया। मुझे याद है जब मैं आपसे फोन पे बातें भी करता था, यू टॉक अबाउट इट कि मतलब मेरे को करना है सर, याद है, मतलब थोड़ा परेशान, परेशानी तो आती है जब इंसान मेहनत कर रहा होता है और ग्रो नहीं कर रहा होता तो परेशानी तो आएगी, लेकिन उसको ना यार वो कहते हैं ना, जैसा मेरे को एकदम से आया कि यार ये कुछ लोग राइट स्वाइप करते हैं, मैं तो नोट गिनता हूँ, मतलब है ना, मतलब ये आपको देखना है यार कि मतलब आपका जो ग्रीनरी जो आपने कहा माइंड में लेके आनी है वो कैसे लेके आनी है, वो ये प्यार मोहब्बत एक अलग चीज है, सेटल होना एक अलग चीज है लाइफ में, वो चीजें, वो वाला स्टेटस मैं कहूंगा कि जीवन में मिल जाएगा यार, मतलब अगर आज तुम पैसे बना लोगे ना क्रिएटर बनके, तो क्योंकि लड़की भी क्या ढूंढ रही है, लाइक बेस्ट बंदा है ना, तो भाई अपने आप को बेस्ट बनाओ पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे वो जो ढूंढ रही है ना वो तुम ऐसे नॉर्मल घर में बैठे क्रीम लगा के मेकअप करके अच्छे शर्ट पहन के नहीं बन सकते, नहीं नहीं, आपको बाहर जाके आप जितना स्ट्रगलिंग और जितनी वैल्यू आप एज अ मैन अपने अंदर क्रिएट करेंगे तब तक वो होगा, करेक्ट है। yes, तो मतलब हम आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी भी है। yes. क्योंकि एज अ क्रिएटर आपको सिर्फ चैनल पे कैसे ग्रोथ करना है ये चीजें जानना, आपका मेंटल पीस बहुत सही होना चाहिए, और ये बात राइट है कि जितने भी क्रिएटर 99% लोगों के साथ ही केसेस हुए ही होंगे। यस सर, ड्राइविंग एनर्जी सर कहीं ना कहीं वहां से आती है, और मैं बोलता हूँ कि अगर किसी लड़की ने पास्ट में तुम्हें गालियां देके तुम्हें धिक्कारा है तो उस चीज को याद करो, वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो और कहीं से नहीं आती है, काफी एनलाइटिंग एनर्जी होती है जिससे लड़के आईएएस बन जाते हैं, करेक्ट है, बिल्कुल ये हकीकत बात है, मतलब आप सोचो ना कि यार मोटिवेशनल वीडियोस देख के हमें थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। यस, और जब आपको कोई कह दे कि यार तू नहीं कर सकता तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि मैं करके दिखाऊंगा, और तो वो तो बहुत जरूरी है, उसे याद करो, ढूंढो यार अपने अंदर, उसका रिवेंज लो सक्सेस से। यस सर, और कोई दूसरा तरीका नहीं, मतलब अगर वो लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या अगर कोई लड़की आपको छोड़ देती है इसका मतलब मेरे दोस्त उसने आपके फ्यूचर को चैलेंज किया है, करेक्ट है, क्योंकि कोई भी लड़की बेस्ट ऑप्शन को कभी नहीं छोड़ सकती, किसी राजा को लड़की नहीं छोड़ती, उसको पता था आप कुछ नहीं कर सकते और वो आपसे बेटर लड़का पा सकती है, इसीलिए उसने आपको छोड़ा है, तो बाकी अब आपको अपनी तरफ से देखना है कि क्या वो सही है या क्या आप उसे गलत प्रूफ करो और वो देखे कि यार ये मैंने गलत कर दिया, इसको नहीं छोड़ना चाहिए था।
करेक्ट यार, ये चीज तो है। yes, कभी मतलब आपके साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंस का हुआ है? मेरे साथ तो सर बहुत सारे केस। अब तो खैर अब तो आप इतने पॉपुलर हो चुके हैं इंस्टाग्राम से, यूट्यूब पर, मतलब अब काफी लड़कियां वो जो पुरानी थी वो डीएम करती हैं आपको? आती हैं। अब सब रिलेशन रखना चाहते हैं। पहले जो लोग मेरे ऊपर हंसते भी थे ना, अब वो लोग भी बोलते हैं कि हमें तो पता था सार्थक करना ही है इसको, कर ही जाएगा। तो अब वो तुरंत रिस्पेक्ट में बदल जाती है, आती हैं। बट अब सर वो सब चीजें ना फीकी लगने लगती हैं एक टाइम के बाद आपको, है ना, क्योंकि तब वो अब आपसे वो प्यार के लिए नहीं आ रही है, वो शी इज हेयर फॉर योर सक्सेस। ये एक डिफरेंस आ जाता है आपकी मेंटालिटी में, आपको पता है ये आपके पास इसलिए नहीं आई है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर यार मुझे लगता है कि सच में ये बात तो राइट है कि 99% लोग इन चीजों से गुजरे हो। yes, याद करो उस चीज को और उसको यार अपने सक्सेस में कन्वर्ट करो। yes, कि ये बात आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, मैं बड़ा बहुत आज मुझे मजा आ रहा है। कुछ अलग सुनने को मिल रहा है कि यार सही बात है, अगर तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है तो वो तुम्हारे फ्यूचर को चैलेंज करता है। यस यस सर, एग्जैक्टली, क्योंकि उसको लगता है कि तुम सच में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, इसीलिए वो बंदी तुम्हें छोड़ के आती है। हाँ, इससे बड़ा रीजन क्या चाहिए आपको दिन रात काम करने का, इससे बड़ी आपको क्या वजह चाहिए? मैं अपना मेरे फादर के साथ बिजनेस भी देख रहा हूँ, ठीक है, शाम से लेकर रात तक जिम भी जा रहा हूँ, कॉन्टेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, अपलोड भी कर रहा हूँ, सब कुछ, तो वो थी एक एनर्जी। राइट, मतलब अभी अगर मैं इनके वर्क लाइक बुक्स की बात करूँ तो फादर के साथ बिजनेस भी देख रहा हूँ जी। इंस्टाग्राम पे आप डेली 2-3 वीडियो डालते हो? 3-5, अब मैंने बढ़ा दी है, मतलब अब मैं जितनी, अब मेरे मन में क्या आ गया, एक हेल्प करनी है बस, ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो वो अंदर से ही मुझे डालनी ही डालनी है, वो ऐसा कंसिस्टेंसी। मतलब डेली के 4 वीडियोस एवरेज मान लेता हूं सर। YouTube पे एक, YouTube पे मेरा डेली एक नहीं, शॉर्ट्स तो काफी सारे जाते हैं। मैं पहले डेली डालता था, अभी मुझे ना थोड़ा और, अब मैं आधे आधे घंटे के वीडियोस डालता हूं सर, तो मैं वीकली एक मिनिमम डालता हूं। Okay. वीकली एक मिनिमम, और 1,00,000 व्यूज रहते हैं। यस, और मेरा एक और चैनल मैंने बनाया आस्क सार्थक गोयल, जहां पे मैं बस कमेंट्स लेके ना उनके रिप्लाईज करता हूं। Okay. तो वो हर अल्टरनेट डेज आते हैं वहां पे मेरे वीडियोस। ये मतलब गजब, मतलब इतनी मेहनत, तो ये मैं आप सबसे भी कहूंगा यार कि देखो मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्राउड महसूस हो रहा है। नहीं सर, जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ होता हूँ कि यार वो मुझे याद है आपका वो परेशान होना, मुझे याद है वो कि चैनल कैसे ग्रो होगा। yes, क्या कंटेंट बनाया जाए, और आज मैं कितना खुश हूँ कि यार मतलब सीरियसली बहुत खुशी मिलती है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि यार आप अपने कॉन्टेंट को ना बस प्रीमियम बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। जिस दिन आपको लगेगा ना यार मेरा कॉन्टेंट मैं 4 बार खुद सुनना चाहता हूँ, उस दिन आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, व्यूअर आएगा भाग के देखने। yes, मेरे पास कमेंट्स वगैरह आते हैं तो मैं खुद जाके वीडियो में देखता हूँ, अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया उस वीडियो में। तो, ऐसा होता है लोग पॉइंट मेंशन करते हैं कि 9.5 पे वाह। yes, दिल जीत लिया। yes, सार्थक भाई exactly. आपने महात्मा जी टेक ने दिल जीत लिया, तो मैं खुद क्लिक करके देखता हूँ भाई मेरे से बोला क्या था। जी सर, तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा मुझे पता। जितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे बताया वो लाइक करके भी जाएगा, वो कॉमेंट भी अच्छी करेगा वो, और जितने लोग थंबनेल देख के कुछ बोल के गए ना वो फालतू ही कमेंट लिखेंगे, लेकिन जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी वो सच में रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, और हाँ, ये वाकई आपने वैल्यूएबल कंटेंट दिया सर, थैंक यू सो मच। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि मैं सर से जुड़ने के पहले भी, और अब तो खैर सर मेरी खुद की टीम हो गई है, लेकिन आपका कोर्स भी सर बहुत अच्छा है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, बट आप में से जो सर के कोर्स के लिए एनरोल्ड भी नहीं, अगर वो डेली इनका एक वीडियो रिलीजियसली देखें, आप रोज डालते हैं सर, तो यू नो आपका वो, आप जुड़े रहते हो उस सिस्टम से। खाने के साथ मुझे नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, मुझे सर की वीडियो आती है 6 बजे, मुझे वो देखनी है, नोटिफिकेशंस ऑन है, भले ही सर कुछ भी बोले, सर को सुनने में ही मजा आने लगता है एक टाइम के बाद, ठीक है, तो वो पूरी फैमिली के साथ, तो वो वीडियो वो चीजें आपको मोड में रखती है एक क्रिएटर माइंडसेट में, नहीं तो आप भूल जाते हो। राइट, ये वो सही बात है कि आपको क्रिएटर नेटवर्क में हमेशा रहना, जिसे नहीं मिलती है सीखने को मिलती है। थैंक यू सो मच आपकी इतनी तारीफ करने के लिए, है ना। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। देखो एक कम्युनिटी मैं बनाना चाहता हूँ हमेशा क्रिएटर्स की, जितने भी लोग जानते हैं मुझे, और वो कम्युनिटी को हमें ग्रो करना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे टिप्स बताने से कोई ग्रो नहीं कर पाता, जब तक हम आसपास जुड़े रहेंगे हम ग्रो करते रहेंगे। राइट, थैंक यू सो मच सार्थक, इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ऑल द बेस्ट, मेरी बहुत विशेष है आपको, आप बहुत ग्रो करें जी। थैंक यू एवरीवन, बाय।